आई जिसने प्रदेश को झकझोर कर रखी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पूर्ण नहीं होती मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं पहली बार रीति रिवाज होता है सचिवालय जाते हैं, मैंने उस रिवाज को बदला। मैं बालिका आश्रम गया, उन बेटियों से मिला जिनके पिता नहीं थे, जिनकी माता नहीं थी। मैंने उनके दुख को पढ़ा कि किस तरह बालिका आश्रम में रह रहे हैं। मैंने सोचा कि इनके लिए एक योजना लेके आनी है। वो मेरे पास आए थोड़ी थे कि हमारे से मांग थोड़ी की थी, जिस तरह सरकारी कर्मचारी डीए की मांग करते हैं, किसान अपनी मांग करते हैं और अपनी मांग करते हैं। मैंने उनके दर्द को पढ़ा और हमने कहा कि हम इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। मैं जब कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा कि 18 साल के बाद इन बच्चों का हम घर भेज देते हैं, जिसका माँ नहीं बाप नहीं कभी चाचे के पास रह रही है, भावनात्मक की करेंगे क्या, पता नहीं घर में दो पैसे भी मिलेंगे। हमने उन बच्चों के लिए जिनके माँ नहीं थी, जिनकी बाप नहीं थी, सबसे पहले मैंने योजना बनाई। योजना बनाकर मैंने चर्चा की, मैंने कहा 18 साल के बाद बच्चा कॉलेज जाता है, 22 साल का कॉलेज करके आएगा, पढ़ने में तेज होगा तो एमए करेगा, एमए के बाद एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, तो ये सारे साल 27 साल तक इस बच्चे को पढ़ाई का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कितनों बच्चों का कैसा सरकार उठाएगी। मैंने कहा कि नहीं, हमें किसी भी प्रकार कटौती करनी है, पर इन बच्चों को हमारा सारा खर्चा उठाएंगे, क्योंकि मैं जानता था कि अधिकारी किस प्रकार से बात करते हैं। मैंने उसी दिन शपथ ली और सोचने लगा कि इन बच्चों को कैसे हमने आगे लाना है। और हमने हिंदुस्तान का पहला कानून बनाया, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कानून नहीं है। जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, जो बच्चे अपने पिता के खो चुके हैं, कोई अनाथ आश्रम में रह रहा है, कोई चाचा जी के पास रह रहा है, मामा जी के पास रह रहा है, हमने उन बच्चों को 27 साल तक ये फैसला किया कि अगर वो एमए बीए एमबीबीएस आईआईटी आईआईएम जाना चाहते हैं, सरकार उनकी फीस देगी, पूरे हॉस्टल का खर्चा देगी, कपड़े पहनने के लिए हर साल 10,000 रुपया देगी और 4,000 रुपया हर महीना पॉकेट मनी भी देगी। अगर कोई बेटी आपके यहाँ भी कोई अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं है, बेटा कोई अनाथ है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उसकी शादी के खर्चे का भी 3,00,000 रुपया सरकार देगी। अगर उसके पास जगह नहीं है तो जगह भी उपलब्ध करवाएगी, और अगर उसके पास जगह है तो 3,00,000 रुपया मकान का भी उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि समाज का कौन सा वर्ग छूट गया है, हमारी सरकार उस दायित्व का निर्वाह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह सरकार नहीं है कि 5 साल आए, सुख सुविधाएं ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली और उसके बाद चले गए। मैं कर्मचारियों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं, आपके दर्द और पीड़ा को हम जानते हैं, लेकिन हमें किसान का भी देखना है, मजदूर का भी देखना है, महिलाओं का भी देखना है। इसलिए मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूं। एक वर्ष में हमने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी बात करें, आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ से, विधायक और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, हमने हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए हम ले जाना चाहते हैं। आप देखेंगे।